हेलो एवरीवन, दिस इज निलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय का। आज हम बात करेंगे एनवीएस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स मुझे देखने को मिले, जैसे कि आप लोगों का कमेंट मेरे को देखने को मिला कि जो टीजीटी पीजीटी की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहती है वो क्या रहती है, किन किन सब्जेक्ट के क्या हमारे सब्जेक्ट की वैकेंसी आती है या नहीं आती, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और एक चीज़ जो हमेशा मेरे सामने देखने को मिलती है कि पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया था उसके भी यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी आपको टीचिंग स्टाफ में देखने को मिलती है। ठीक है, एक चीज और क्लियर कर दूं कि पीआरटी लेवल की यहाँ पर वैकेंसी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि आपको पता ही है ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर रहना पड़ता है टीचर्स को भी। ठीक है, तो यहाँ पर पीआरटी लेवल की वैकेंसी नहीं देखने को मिलती, सीधे टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, इन लेवल्स की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी आती है। ये नोटिफिकेशन आपको शो हो रहा होगा, इस नोटिफिकेशन के ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे ही मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड डाउट हो या फिर एज से रिलेटेड डाउट हो। सबसे पहले जो आपको वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं वो प्रिंसिपल पोस्ट की होती है। ठीक है, अब वो कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी ये चीज़ें क्लियर नहीं की जा सकती। ठीक, लेकिन हाँ, जो पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं वो आपको प्रिंसिपल पोस्ट की होती हैं। फिर आपको वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। बात करें पीजीटी लेवल पे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट की होती हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी जो है इनमें कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल फॉर हिस्ट्री से आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीजीटी हिस्ट्री में आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर वैकेंसी नहीं देखने को मिलती। ठीक, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी पीजीटी लेवल पे। इसके बाद बात करें जो आपको वैकेंसी दूसरी देखने को मिलती है वो होती है टीजीटी लेवल पे, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इनकी अगर बात करें तो इसमें आपको इंग्लिश की देखने को मिलती है, हिंदी की, मैथ्स की, साइंस की, सोशल साइंस की, ये पांच वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। फिर टीजीटीज में आपको थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसीज देखने को मिलती है। अब थर्ड लैंग्वेज में भी कौन कौन सी वैकेंसी होंगी ये चीजें मैं बता देती हूँ। पहले मैं आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। तो अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस आपका सीटेट पेपर 2 वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बात करें जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आती है थर्ड लैंग्वेज की, उसमें आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, असामी, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन लेवल की, इन सब सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी होती है। और यहाँ पे भी एक चीज याद रखिएगा, ग्रेजुएशन आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाते हो। ठीक है, प्लस आपके पास सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद बात करें मिसलिनियस कैटेगरी में आती है म्यूजिक, आर्ट, पेट मेल टीचर, पेट फीमेल टीचर और लाइब्रेरियन टीचर की वैकेंसीज। ठीक है, और फिर इसके बाद जो आपको वैकेंसीज, हाँ, एज क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों के सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ना इसमें दे रखा है, तो ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर थोड़ा सा शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, इतनी चीजें तो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद करें एज की, तो देखिए पीजीटी लेवल पे आप जो एज क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है वो 40 इयर्स का होता है, और टीजीटी लेवल पे जो देखने को मिलता है वो 35 इयर्स का
होता है। कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी को 3 इयर्स का, एससी कैंडिडेट को जो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स का, और पीडब्ल्यूएच कैंडिडेट को भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यूजुअली देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एज का इसमें नोटिफिकेशन में नहीं, हाँ ये रहा, 40 इयर्स तक आपका रहता है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ये नोटिफिकेशन पुराना है, ठीक है। तो ये पुराना नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग एक तो एज क्राइटेरिया देख लीजिएगा अपने लेवल पे अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो, प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना अपने सब्जेक्ट का। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि आपका सैलरी की अगर बात करें, तो टीजीटी लेवल पे आपको लगभग लगभग पीजीटी लेवल पे लगभग लगभग आपको सैलरी जो देखने को मिलती है 70 से 80 हजार के बीच में देखने को मिलती है। टीजीटी लेवल पे 60 से 70 के बीच में देखने को मिलती है, और पीआरटी की यहाँ वैकेंसी आती ही नहीं है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आपका कहा गया है कि नोटिफिकेशन आपका 15 जुलाई को ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास टाइम है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से इन्होंने कैलेंडर रिलीज किया गया है, अगर उसी तरीके से सारी चीजें होती रहीं, तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग नोटिफिकेशन आने तक का वेट करें। अभी से आपको पता चल गया है तो D1 से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप्स सारी चीजें आप लोगों को समझ आई हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और जो अभी अपडेट आई है NVS की, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैंने शेयर कर रखा है, आप लोग चैनल पे देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन और सारी चीजें, प्रॉब्लम कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आए। बाय।